मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हम जो है हमारे डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी किसी के जो खिलाफ झूठा जो छेड़छाड़ का या रेप का जो मुकदमा लगाया है झूठा है, इसके लिए जो है हम यहाँ पे एडिशनल SP साहब सिटी को ज्ञापन देके आए हैं। उनसे अनुरोध करके आए हैं कि भाई यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। किसी आदमी को जो है झूठा मुकदमे में फंसा के किसी को जो है वो मजबूर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें तो यह लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है और इनको जो है डेयरी के स्तर से डाउन करने की नीयत से इस तरह से जो है आगे बेला पुसला के और ये इस तरह से मनगढ़ंत बयान करवा के और ये थाने में FIR दर्ज करवाई है। ठीक है, आपका नाम बताइए। हरिराम चौधरी जाटली, डायरेक्टर CCB अजमेर गए हुए हैं जी। और चेयरमैन साहब की बेहतर सेवाएं हैं और जो ये केस मुकदमा बनाया है बिल्कुल झूठा है, प्रकरण सही नहीं है। और हम गाँव से आए हैं सारे, मतलब पूरे ज़िले से, दूध उत्पादक सहकार समिति सचिव और अध्यक्ष। तो ये अभी अतिरिक्त कलेक्टर साहब, अतिरिक्त SP साहब हैं, उनको ज्ञापन दे के आए हैं। आपका नाम? पारसमल जैन, जड़वासा दूध उत्पादक सहकार समिति सचिव। हमने जो ये चौधरी साहब, चेयरमैन साहब पे जो आरोप लगाया है लातकर का, ये बिल्कुल निराधार है, झूठा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। लोग इनको बेवजह, ये जो अभी सहकारी समितियों के चुनाव आ रहे हैं, वापस जिले के पहले भी निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, वापस निर्विरोध अध्यक्ष बनने के कगार पे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र है एक, और विपक्ष वाले लोग इन्हें तरासाही करना चाहते हैं। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि इनमें वोटों से चुनाव जीते हैं। ये ऐसे फालतू की बाउंडरबाजी करके चेयरमैन साहब का मान घटाना चाहते हैं लोग, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बलात्कार का मुकदमा बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। एडिशनल AP साहब को ज्ञापन दिया है और SP साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होगी। बच्छराज जाट, सचिव दूध उत्पादक सहकारी समिति चापानेरी। हम रामचंद्र जी चौधरी के साथ में जो गलत रिपोर्ट दर्ज करवाई है मैडम ने, तो वो गलत है बिल्कुल। पूरे जिलों को सदमा बैठा इस बारे में कि इस बारे में पूरे ज़िले को सभी अध्यक्ष व सेक्रेटरी सब यहाँ पे आए हैं और ज्ञापन देने के कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो 70-75 साल की उम्र होगी, आज पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई गलत व्यवहार नहीं है, कोई बातचीत नहीं है जिसमें ये ऐसी हरकतें कर रही है। वो पहले गुलाबपुरा में भी रिपोर्ट दे के आई है, जिन्हें छेड़छाड़ का वो लिखा है उन्होंने, और यहाँ पे कह रही है कि मेरे साथ में ऐसा गलत हुआ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जबकि इतने कर्मचारी लेना देना सब है वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं साहब ने बाहर निवेदन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। आज कहाँ है और क्या है जिसको आपने ज्ञापन दिया है? हमने SP साहब के ज्ञापन दिया। SP साहब तो नहीं मिले, शहर वाले वो छोटे वाले SP साहब मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया है कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम शिवराज चौधरी है, अध्यक्ष भटियाणी दूध उत्पादक सहकारी समिति भटियाणी।